चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने ही साथियों का नहाते हुए वीडियो बनाया और उसके बाद इस वीडियो को शिमला में बैठे अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया। उसके दोस्त ने इंटरनेट पर इस पूरे वीडियो को वायरल कर दिया और आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राएं इंसाफ का गुहार लगा रही है। जरा सोच कर देखिए कि एक छोटा सा मोबाइल क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है बल्कि जुलाई 2022 में राजस्थान में एक और दर्दनाक घटना हुई। एक बस ड्राइवर लगातार मोबाइल पर बात करते हुए स्कूल बस चला रहा था। बस में 30 बच्चे बैठे हुए थे और उसकी लापरवाही की वजह से बस का एक्सीडेंट हुआ और बस पलट गई, जिसमें बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। इसी तरह एक और घटना के बारे में सुनिए। 2016 में मुंबई साइबर सेल के पास एक रिपोर्ट आती है जहां पर एक लड़की का फेक फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है और उसी की फोटो को गलत तरीके से एडिट करके उसे उस अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इस लड़की के पास एक मैसेज आता है और ब्लैकमेल करने वाला कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर को इसी तरह से एडिट करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा। मुंबई की साइबर सेल जब इसकी जांच करती है तब जाकर पता चलता है कि ये सारी हरकत एक नाबालिग लड़के के द्वारा की गई थी। सोचिए, ये एक ऐसा साइबर बुलिंग का मामला था जो आज के समय बहुत सारे टीनेजर फेस कर रहे हैं। आज मोबाइल फोन किसी बंदूक से निकली गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते नहीं है। पहले क्लास में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते थे, कमेंट करते थे, लेकिन आजकल मोबाइल के जरिए ये सारा काम होने लगा है। बच्चे अपने दोस्तों को बुली करने लगे हैं। किसी के बारे में फेक जानकारी फैलाना, अनजान लोगों को ग्रुप में बुलाकर फिर उसका मजाक उड़ाना, किसी की पर्सनल फोटो वीडियो को इंटरनेट पर शेयर करना, बार बार आपत्तिजनक मैसेज भेजना, उसे मानसिक रूप से परेशान करना। इंटरनेट की दुनिया में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं हमारे टीनेजर्स। लेकिन सिर्फ साइबर बुलिंग ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन से ऐसे कई अपराध हो रहे हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। लेकिन इसके अलावा मोबाइल फोन से जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर हो रहा है उसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, या आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा कि ऐसी चीजें शायद आपके घर में भी चल रही हैं। आपने शायद इस बीमारी का नाम नहीं सुना होगा जिसे TTT कहा जाता है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की वजह से होता है। जब आप सर झुकाकर, कमर को टेढ़ा करके लगातार अपने फोन की तरफ देखकर उंगलियां टपटपाते रहते हैं तो आपका पोस्चर कुछ ऐसा हो जाता है और इस वजह से हाथ, पीठ और गर्दन में दर्द होने लगता है और इसी को TTT यानी कि टीन टेंडोनाइटिस कहा जाता है। दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जाता है और एक समय बाद कई तरह की बड़ी बीमारियां सामने आने लगती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो चीजों को याद नहीं रख पाते, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है और उस समय मोबाइल पर उन्हें जो जानकारी उपलब्ध होती है उससे उनका एंजाइटी लेवल बढ़ता है और ये बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिससे इनका दिमाग पर बहुत गहरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने लगे हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसके बाद इसी चिड़चिड़ापन को खत्म करने के लिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया में जाकर निकालते हैं। सोशल मीडिया में अपनी फेक इमेज बनाते हैं, लोगों को फपकियां कसते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि कई बार टीनेजर्स, यहां तक कि हम सभी भी, रात रात भर मोबाइल फोन को लेकर सोते नहीं हैं। और आप शायद जानते नहीं होंगे कि इस बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है। मोबाइल की ब्लू स्क्रीन यानी कि उससे निकलने वाली रोशनी से हमारी आंखों पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर होता है। असल में हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमारे शरीर की पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का एक एंजाइम जनरेट करती है, जिससे हमें नींद आती है, बॉडी रिलैक्स होती है। लेकिन जब लगातार मोबाइल को देखा जाता है तो ये मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो जाता है और फिर इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, जिसके आगे चलकर कई खतरनाक परिणाम देखने को मिलते हैं। वही मोबाइल का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है तनाव, स्ट्रेस। बच्चों में ये एंजाइटी होती है कि मेरे दोस्त ने गेम का ये लेवल पार कर लिया और मुझे भी करना है, मेरे फ्रेंड ने महंगी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाई है, मुझे भी खिंचवाना है, और ये प्रेशर दिन ब दिन उन पर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। वहीं पहले ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बच्चों की आंखों में चश्मा लग जाया करता था, लेकिन आज के समय ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से बच्चों को चश्मा लगने लगा है। इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि आंखों में स्ट्रेस दिखाई देना, आंखों में लालपन होना, आंखों में जलन महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, आंखों में ड्राइनेस आना, सूखापन महसूस करना,
अगर ऐसे सिम्टम्स आपको भी नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस मोबाइल को जितना जल्दी हो सके दूर करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे अपने बच्चों को इस खतरनाक हथियार से बचाया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप मोबाइल फोन को आज के समय बच्चों से अलग नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहते हैं तो उसका एक टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए मोबाइल दीजिए। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करके रखिए। रात में सोने से पहले उनका मोबाइल आप अपने पास रख लीजिए। साथ ही पूरी तरह से ट्रैक करते रहिए कि बच्चे कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर किसे अपना दोस्त बना रहे हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि ये साइबर बुलिंग का शिकार ना हो जाए या फिर किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। वहीं आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी ना चलाएं, ना ही सड़क पार करें। इस हथियार को आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है। अगर आप हमारी बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।